अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री के कुछ एमसीक्यूज़ को। अब देखें, हमें इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज़ आ जाता है तो हम देखेंगे कि कैसे हम इस एमसीक्यूज़ को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, स्टोइकियोमेट्रिक इज अप्लाई टू विच रिएक्शन। तो देखिए, स्टोइकियोमेट्रिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्टडी करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक की जब भी हमने कैलकुलेशन करनी होती है, जब भी आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की अमाउंट को फाइंड करना है या आपने रिलेशनशिप को डील करना है इनके दरमियान, तो इसके लिए इक्वेशन का जो है वो बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाने चाहिए प्रोडक्ट्स में, यानी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें, इनमें तो ये सारे जो हैं रिएक्शंस वो सारे के सारे रिवर्सिबल हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक जो होगी वो तो इनमें से किसी पर भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये आप एक बार असम्पशंस देख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हों प्रोडक्ट्स में और जो रिएक्शन है वो हमारे पास इरिवर्सिबल हो, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है और वो इरिवर्सिबल होती, अब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, जब हम लोग ने वाटर की फॉर्मेशन कर ली है, तो अब देखें ये हमारे पास जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है। तो फिर हम कहेंगे जो स्टोइकियोमेट्रिक होगी वो इस पर अप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन इनमें से किसी भी रिएक्शन पर वो अप्लाई नहीं होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एमसीक्यूज, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। सबसे पहले इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाएगा तो आपने इक्वेशन लिखनी है, और इक्वेशन भी आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि हाइड्रोजन ने रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ और वाटर जो है वो बनना है, लेकिन देखें ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और इसमें सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो इसे बैलेंस्ड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इधर भी 2 लिखा और इधर भी 2 लिखा। अब देखें यहाँ के पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि जब 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, तो कितने अमाउंट ऑफ H2O जो होंगे वो फॉर्म्ड होंगे, यानी इसकी जो है इन्होंने ग्राम्स में बात की हुई है, यानी मास पूछा हुआ है। H2O की बात जिक्र किया हुआ है और यहाँ से इन्होंने H2O को लिया हुआ है, यानी अगर इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो कितना मास ऑफ वाटर जो होगा वो फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं देखा, इन्होंने देखा है कि अगर हम लोग इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो कितनी अमाउंट ऑफ जब वाटर की होगी वो फॉर्म्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मोल्स हैं, यहाँ पे मास हैं, तो अब आपने पहले हाइड्रोजन लेना है और यहाँ से आपने क्या लेना है, यहाँ से आपने वाटर लेना है, इसके मोल्स लेने हैं और इसका आपने मास लेना है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके कितने मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं ना हाइड्रोजन के, और फिर जब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक इसके 2 मोल्स हैं तो इसमें कितना वाटर फॉर्म्ड हो रहा है, वाटर का जो मास होता है वो 18 होता है ना, लेकिन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो आप 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी जब आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थे तो 36 ग्राम ऑफ जो वाटर था वो आपके पास बन रहा था, लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जब आपके पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो कितनी अमाउंट जो होगी वाटर की फॉर्म्ड होगी, तो जब आप यहाँ पे फिर आप 4 लिखेंगे और अब आप पूछेंगे, यानी ये आपने फाइंड करना है कि कितनी जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो फॉर्म्ड हो रही है, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा 72 ग्राम्स। ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 4 को 36 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो 72 ग्राम जो होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था कितनी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बन रही है। अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछते कि यानी 4 मोल्स ऑफ आपके पास हाइड्रोजन है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और बताएं कि कितने मोल्स ऑफ H2O जो हैं वो बनेंगे, तो जब हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यानी हम इसे भी सॉल्व करके देखते हैं,
यहाँ से भी उन्होंने एच टू जब लिया है और यहाँ से एच टू हो हमने उसके मुताबिक बताना है. वो कहते हैं कि इसके फोर मोल्स मिलेंगे तो इसका कितना, इसके कितने मोल्स बनेंगे. ठीक है, वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कहते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब इसके टू मोल्स थे तो इसके भी टू बने थे. अब जब क्वेश्चन में इसके हम लोगों ने फोर मोल्स लिए हैं, हाइड्रोजन के हम लोगों ने फोर मोल्स लिए हैं, तो एच टू ओ कितने मोल्स बनेंगे, उसके भी फोर ही बनेंगे. ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये फाइंड करना है तो आपने फोर को मल्टीप्लाई करना है टू से और टू से डिवाइड करना है, तो आपके पास फोर ही जो होगा, फिर आपके पास फोर ही जो होगा वो आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, उम्मीद है इस ट्रिक की अब आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, अगर अब इस तरह का कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा तो आपने उसे विद इन अ सेकंड इजीली सॉल्व कर लेना है. अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. ये एमसीक्यू देखें, ये एमसीक्यू भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है. अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आती तो फिर वो देखे कि ये कैसे सॉल्व होगा. इससे पहले आपको सब जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उन सबके एटॉमिक मैसेज पता होने चाहिए. इससे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने सारा बताया था, समराइज़ करके मैंने एक ही जगह पे लिखा था कि कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मैसेज क्या क्या हैं. अगर आप लोगों में से किसी को कन्फ्यूजन है एटॉमिक मैसेज में तो आप एक दफ़ा वो टेबल बना हुआ है, आप उस टेबल को एक दफ़ा देख सकते हैं. उसमें तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसमें एमडीकैट में से एमसीक्यूज आ जाते हैं तो उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं. ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में वो हमें कहते हैं कि एल्युमिनियम ने रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनना है, Al2O3. इस क्वेश्चन में उन्होंने पता क्या पूछा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा कितने ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें. आपने एल्युमिनियम लेना है, ऑक्सीजन लेना है और Al2O3 लेना है. क्वेश्चन में इन्होंने यही कहा हुआ है ना कि आपने एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाउ मच ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3. एल्युमिनियम ने रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ और Al2O3 जो होगा वो हमारे पास बनेगा. लेकिन अब ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसे बैलेंस करने के चक्रों में हम लोगों ने इधर 4 लिखा और इधर 2 3 लिखा और अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2Al2O3 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिखते तो भी हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं होती थी. आप करके भी देख सकते हैं एक दफ़ा, हम लोगों ने ये लिखा. ठीक है, अब वो पूछते हैं कि एल्युमिनियम इतने ग्राम्स हैं, यानी इन्होंने एल्युमिनियम का मैस बता दिया है. और इस क्वेश्चन में इन्होंने प्रोडक्ट की अमाउंट नहीं पूछी, उन्होंने रिएक्टेंट्स की ही पूछी है कि कितने ऑक्सीजन जो है, कितने हाउ मच ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कितना यूज होगा. ठीक है, यानी 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है वो कितने ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी. ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यानी इसका भी मैस है और इसका भी मैस पूछा हुआ है. तो पहले मैंने आपको क्या कहा था कि पहले आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिख लेना है. जब इसकी भी मैस की बात हुई है और इसकी भी मैस की बात हुई है, एल्युमिनियम का 27 एटॉमिक मैस होता है, उसको 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 108. ठीक है, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, 6. 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 96. ये आपके पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके मुताबिक जब आपका आपके पास 108 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम था तो वो रिएक्ट करेगा 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ. लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि जब 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम होगा तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. अब फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वो 24 ग्राम्स आ जाएगा. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बीटा आ जाएगा. गॉट इट. नेक्स्ट एमसीक्यूस, 14 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 11.2 डेसीमीटर क्यूब अननाउन गैस इज. बेसिकली इस एमसीक्यूज में वो हमें कहते हैं कि हमारे पास जो गैस है वो अननाउन है और जब उसका 14 ग्राम्स था ना तो उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया हुआ था वो 11.2 डेसीमीटर क्यूब था. ठीक है, इस एमसीक्यूज को ना जरा आपने दिमाग से सॉल्व करना है. देखिए, जब अभी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सारा मोलर वॉल्यूम का पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपके पास कोई भी कंपाउंड होता है उसका जो मोलर मास होता है, ठीक है, उसका जो एग्जैक्ट मोलर मास होता है, ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस कंपाउंड का जो मोलर वॉल्यूम होगा वो कितना होता है, जितना वो कंपाउंड मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होती है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है. ठीक है, और इस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर्स, ml, इन सब का क्या रिलेशन होता है. अगर किसी स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन है तो वो उस वीडियो में जाके देख सकता है. ठीक है, तो अब देखिए वो हमें कहते हैं कि हमारे पास 14 ग्राम गैस जो है वो हमें नहीं पता कि कौन सी है, लेकिन जब उसके पास 14 ग्राम्स था ना, उस गैस का जब 14 ग्राम है तो जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रही है वो है 11.2 डेसीमीटर क्यूब. तो जरा आप सोचें कि आपके पास जो मोलर वॉल्यूम है वो आपके पास हाफ हो गया है,
ठीक है, तो यानी जो मोलर मास है उस कंपाउंड का वो भी तो हाफ हुआ है ना। तो अब इनमें से जब आप ये हाफ हुआ है ठीक है, तो ये 14 किसका हाफ होता है, 14 28 ग्राम्स का हाफ होता है। तो अब आप देखें इनमें से ऐसी कौन सा कंपाउंड है जिसका जो मोलर मास है वो 28 के इक्वल है। जब आप देखेंगे तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसका मोलर मास होता है वो 28 के इक्वल होता है, तो यही जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आज की जो वीडियो थी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी बात अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।